आराम से हो। ये बात है, तू जहाँ भी जा रहा है ना, तू रेवाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। चीज बताना चाहूंगा कि मेरे को बिल्कुल भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं K2 के राइड के लिए निकल गया हूँ। अभी 12:30 हो गए हैं और मैं फाइनली आज वो दिन आ गया है कि मैं निकल रहा हूँ अपनी हाफ इंडिया टूर पे। कन्याकुमारी सबसे पहले यहाँ से जाऊँगा, उसके बाद कश्मीर एंड देन जो भी पूरा आपको पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो पिछले व्लॉग जाके देख लेना, पूरा राइड का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने उसमें बता दिया है। बाकी अभी मेरे को सी ऑफ करने गौतम और अमन आए हैं जो कि बाइक पे फ्लैग लगा रहे हैं। वैसे तो इसकी ऑफ नहीं था, ये अपना ऑफ लेके आए हैं दोनों के दोनों, दिल्ली लेना पड़ा यार। सो अभी आज का प्लान ये है कि आज जयपुर में स्टे होएगा फर्स्ट, और सेम पहले की तरह जो कि पहले व्लॉग्स में हमने देखा होगा, मेरी सिस्टर के घर पे ही, इससे ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा आज मैं। उसके बाद आगे कल से फिर निकलेंगे, तो अगले व्लॉग में वो आपको पता चलता ही रहेगा जो भी होगा। सो सबसे पहले मैं बैग वगैरह यहाँ पे माउंट कर लेता हूँ, पैकिंग वैकिंग मेरी हो गई है, बस अब मेरे को जैकेट पहननी, हेलमेट, बस बाकी और कुछ नहीं रह रहा। ओके जाई, बाय बाय, ध्यान रखना, हनुमान चालीसा पढ़ता रहो, ठीक है, जय माता दी, ओके, बाय बाय। तो अभी रेडी है सब कुछ, नहीं जी, अरे नहीं बस। ये बात है, तू जहाँ भी जा रहा है ना, तू रेवाड़ी को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे, छोटे हाँ ऐसे चल के नीचे से फिर वापस ऊपर और फिर वापस घर। इसको कलम देख रहे थे गौतम भाई, एक ही बात कह रहा है, मेरे को बहुत खुशी हुई K2K जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अगर कुछ भी काम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले यार मंदिर आना बहुत ज़रूरी है, और ये राइड तो वैसे ही बहुत ही लंबी होने वाली है, तो मंदिर के दर्शन करने तो यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी करो सही करना, लाज रखना बस, और बस ये राइड सफल कराना। चलो 1:04 मैंने ट्रिप सेट कर दी है यहाँ से, देखते हैं अब कितने किलोमीटर चलती है टोटल राइड। और अब ये मेरे को गौतम और अमन थोड़ी दूर तक यहीं तक ही छोड़ने जाएंगे, इसके बाद मैं अकेला निकल जाऊंगा। अभी फेब चल रहा है और अब मैं वापस आऊंगा तो पता नहीं कौन सा मंथ होगा, जो भी होगा उस वाली वीडियो को लास्ट में एक रिलेट करेंगे फर्स्ट वीडियो से और एंड वाली वीडियो से। ठीक है भाई, आराम से। ओके ठीक है भाई, ओके ओके भाई, बाय बाय। फाइनली बाय कर दिया अभी सबको और मैं यहाँ से निकल गया हूँ जयपुर के लिए, तो अब रास्ते में मिलते हैं, थोड़ी देर सेट हो जाता हूँ, फिर दूसरे ग्लव्स भी पहनता हूँ, बाकी सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। राइड इज़ ऑन मैन, K2K। अभी पापा से मिलना रह गया था और पापा का ऑफिस यहीं पे ही है बावल में, और हाईवे पे तो मैं आ ही गया हूँ, तो पापा को भी मैंने बुलाया कि एक बार मिल लो यार, अब तो 3-4 महीने बाद मिलूँगा, तो अभी पापा भी आ रहे हैं, सो पापा का भी आशीर्वाद ले ही लेते हैं यार जब सब कर लिया है तो। और ये वही वाली प्लेटिना है जो हरियाणा टू नेपाल गई थी, बट अभी का टूर जिक्सर पे होगा, प्लेटिना पे नहीं होगा। ओके बाय बाय, ठीक है चले, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो अंदर से थोड़ी सी घबराहट थी, अब पापा से मिल के सही में अच्छा लगा है। बिना पापा के यार ये राइड, ऐसी मैं किसी भी राइड पे नहीं जाता, और ये राइड तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं थी, तो थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी
थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था, बट अब मैं निकल चुका हूँ। और बाइक क्या सॉलिड लग रही है यार, क्या सॉलिड, इतनी पूरी की पूरी फुल पैक। इंस्टा पे आपने देख लिया होगा, अगर इंस्टा पे अगर आपने फॉलो नहीं करा तो नीचे इंस्टा आईडी है, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। फर्स्ट ऑल ऑफ द डे नीम राना से पहले वाला टोल आ गया, अराउंड 35 किलोमीटर्स हो गए हैं और अभी पूरे 2 बज गए हैं, अभी 248 हो गए हैं और 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। लगभग 4 बजे तक मैं शायद पहुंच जाऊंगा, आई होप कि पहुंच ही जाऊं। अराउंड 85 किलोमीटर्स और बचा जयपुर। आज का सेकंड टोल 133.6 किलोमीटर्स के बाद जयपुर बाईपास आ गया है सामने, अजमेर 175, जयपुर सिटी इज 45। तो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, ये है जयपुर बाईपास। अभी 4:11 हुए हैं, 4:12, और मैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन, डे वन की फर्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंच चुका हूं। और मैं अभी 4:25 हो गए हैं और अब भूख लग रही है बहुत तेज, सुबह का मैंने बस ब्रेकफास्ट करा हुआ है, तो फटाफट से पहले खाना खाते हैं, उसके बाद बातें तो चलती रहेंगी। शाही पनीर बाय द 3 एप्रंस यूट्यूब चैनल, जो वीडियो नहीं डालता, जो यूट्यूब चैनल डेड है वो इन्हीं का है। वैसे तो ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, पर वीडियो बनाती है पर एडिट नहीं करती, क्योंकि इनसे एडिट नहीं होती है, और ऐसे भालू की तरह बस हिलती रहती है। ये देखो दोहरे पड़ गए हैं। आते ही बहन ने काम पे लगा दिया है और मैं अभी रसमलाई लेने जा रहा हूँ यहीं पास से ही, फटाफट से लेते हैं और फिर घर पे चलते हैं। बाइक का भी ऐसा सीन था कि मैं सोच रहा था यार अब बाइक कौन निकालेगा, अब साइकिल खड़ी है तो मैं साइकिल पे ही आ गया। जयपुर में पता नहीं यार बहुत ज़्यादा ना ये मच्छर हो रहे हैं, मुझे तो लगा था कि बाइक के वाइज़र पे ही आ रहे हैं, बट ये तो कुछ भी ला रहा हूँ, और रोड पे चलते चलते भी मच्छर आके चिपक जा रहे हैं। जयपुर की ना रसमलाई बहुत टेस्टी है, जयपुर वगैरह राजस्थान में कभी आओ तो यार रसमलाई ज़रूर टेस्ट करना। अशोका प्रणामी मिष्ठान भंडार से। अभी 6:31 हो गए और हालत तो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी खा पी के बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी सही में, बट मैं सो नहीं सकता क्योंकि अभी वीडियो एडिटिंग करनी है और फिर कल सुबह सुबह मेरे को निकलना है आगे। सो पहले मैं नहा लेता हूँ और नहाने के बाद वीडियो एडिटिंग करनी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बियर्ड वगैरह मैं ट्रिम करना भूल गया था, तो पहले यहाँ पे भी ट्रिम भी कर लेता हूँ। ट्रिमिंग वगैरह सब करके नहा धो के मैं आ गया हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि मैं ये 2 बैग लाया हूँ, और प्रिपरेशन की आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा कि मेरे 3-4 बैग थे टोटल, बट वो वाले यार बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो गया था, फिर भी नहीं बन पा रहा था सारा का सारा सिस्टम, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा 2 दिन से कि मैं कैसे करूँ सारी चीज़ें मैनेज। और हर एक दिन वो कैंपिंग का सामान मैं नहीं लाया हूँ, और हर एक दिन 3-4 महीने तक कैंपिंग का सामान ले लेके घूमना, जबकि मेरे को एक हफ्ते की मुश्किल से कैंपिंग करनी है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता मेरे लिए। तो इसलिए मैं सिर्फ ये 2 मेन सैडल बैग लेके आया हूँ, बाकी मेरे पास एक शू बैग है जो कि ये आपको दिख रहा है, और इसके साइड वाला बैग जो ब्लू वाला है वो वाला बैग के अंदर भी मेरे और हाइड्रेशन बैग, मतलब कि फूड वगैरह के लिए जो कि रास्ते में काम आएगा, तो ये सारी चीज़ें मैं लाया हूँ। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे को बिल्कुल भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं K2 के राइड के लिए निकल गया हूँ, पता नहीं सही में विश्वास नहीं हो रहा, इसको भी नहीं हो रहा। नहीं हो गया, हो गया हाँ। आज का सारा काम खत्म हो गया है, व्लॉग वगैरह एडिट हो गया है, सारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं बस अब सोने लगा हूँ, हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट फर्स्ट डे थोड़ी बहुत रहती है और अभी थकान बहुत ज़्यादा है, नींद भी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, जल्दी से मैंने एडिटिंग ख़त्म करी है और
अब मिलते हैं नेक्स्ट डे कल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ भी थॉट्स हो तो कमेंट कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज। और फाइनली आई कैन से डेट आई एम ऑन अ राइड ऑन कन्याकुमारी टू कश्मीर इज ऑन। स्टे ट्यून्ड विद एवरी व्लॉग, और सारे के सारे व्लॉग्स देखना, बहुत अच्छे अच्छे आगे व्लॉग्स आएंगे।